दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही दो बड़ी पैन इंडिया फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर जूनियर एनटीआर की फिल्म देवड़ा के 3 हफ्तों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म वटैया के 9 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अगर आप भी जूनियर एनटीआर और रजनीकांत अमिताभ बच्चन जी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फटाफट बॉलीवुड की दो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म वटैया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वटैया, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार रजनीकांत जी के अलावा श्री अमिताभ बच्चन जी और कई सारे एक्टर्स नजर आए हैं। बताते चले दोस्तों कि ये फिल्म तमिल भाषा में रिलीज की गई है, जिसे कि हिंदी, तेलुगु, कन्नाडा और मलयालम भाषा में डब किया गया है। बता दें दोस्तों आपको कि इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन 77 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग लेने वाली इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा होल्ड किया। तो वहीं दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफ़ी बेहतरीन रिव्यूज की वजह से इस फिल्म ने 4 दिनों के वीकेंड में ही लगभग 230 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली थी। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले, साथ ही साथ दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत के स्टारडम और उनके फैन फॉलोइंग की वजह से यह फिल्म अपने वीक डेज में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड करने में कामयाब रही। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के वीक डेज के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के जो अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस निकल कर आए हैं, वो अपने 5वें दिन के 27 करोड़ 80 लाख रुपये के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे, जो कि एक तरह से हमें 20 करोड़ रुपये के लगे थे। लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने अपने 6ठे दिन भी 24 करोड़ 16 लाख रुपये कमाए। वहीं दोस्तों परसों अपने 7वें दिन भी इस फिल्म के कलेक्शंस इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपये के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे। यह फिल्म दोस्तों अपने शुरुआती 7 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 284 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी थी। कल दोस्तों यानी कि 8वें दिन इस फिल्म ने 16 करोड़ रुपए की कमाई की। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के अपने 9वें दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि यह फिल्म आज अपने 9वें दिन लगभग 14 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत जी के लिए एक और 300 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन चुकी है। रजनीकांत जी दोस्तों तमिल सिनेमा के इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी आज से ज्यादा फिल्में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लब में शामिल हो चुकी हैं, और उम्मीद है दोस्तों कि ये फिल्म इसी तरह कमाई आने वाले हफ्तों में भी करे और 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जूनियर एनटीआर की फिल्म देवड़ा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर फिल्म देवड़ा, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु सिनेमा के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि कोतला शिवा के डायरेक्शन में बनने वाली देवड़ा फिल्म, जिसके लीड में आपको जूनियर एनटीआर के साथ साथ सैफ अली खान और जानवी कपूर नजर आई हैं। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए के बीच का बताया जा रहा था। दोस्तों इस फिल्म में आपको एक्शन, थ्रिलर और वो हर चीज़ देखने को मिलने वाली है जो कि आप एक पैन इंडिया फिल्म से उम्मीद करते हैं, और देवड़ा दोस्तों हम सभी के उम्मीदों पर खरा उतरी है। ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले मिक्स रिव्यूज के बावजूद भी दोस्तों सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने अपने पहले दिन 172 करोड़ रुपये की हिस्टोरिकल ओपनिंग ली। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस फिल्म के कलेक्शन में कंटिन्यू काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला। अपने 3 दिनों में 300 करोड़ रुपये कमाए और अपने पहले हफ्ते में 405 करोड़ रुपये कमाए और अपने दूसरे हफ्ते में लगभग 480 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। देवड़ा फिल्म ने दोस्तों अपने तीसरे वीकेंड की शुरुआत भी काफी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ की थी, और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म अपने 18 दिनों में 520 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई अपडेटेड वर्जन में कर चुकी है। परसों ही दोस्तों इस फिल्म के जो अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी ऑफिशियल जानकारी सोशल मीडिया साइट पर दी गई है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से कंटिन्यू काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। अपने 19वें दिन भी दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया और इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए कमाए। 20वें दिन यानी कि परसों भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां 2.8 करोड़ रुपए के रहे, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ रुपए के रहे। तो वहीं दोस्तों ये फिल्म कल अपने 21वें दिन भी 3.2 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया। और दोस्तों अगर बात करें 22वें दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज अपने 22वें दिन भी ये फिल्म लगभग 3 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म 535 करोड़ रुपए से
ज़्यादा की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी होगी। और फाइनली दोस्तों, देवरा फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है, जिसका प्रॉफिट लगभग 75 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अब तक हो चुका है। इस फिल्म के मेकर्स दोस्तों अब इस फिल्म के सेकेंड पार्ट पर फोकस कर रहे हैं और उम्मीदें हैं दोस्तों कि इस फिल्म का सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से रिकॉर्ड तोड़ कमाई करे। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा बेहतर लगी, जूनियर NTR की फिल्म देवरा या फिर रजनीकांत जी की फिल्म वटैया? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।